अब यहाँ पे इसमें आईटी की बात भी जरूरी है, क्योंकि अब आजकल ड्रोन का बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट महत्व देखने को मिल रहा है, भागीदारी देखने को मिल रही, तो इसीलिए भी हमारे मिलिट्री को यंग होना जरूरी है, एज हो गया। दूसरा जो विरोधाभास है वो है पेंशन को लेके, कि पेंशन लाइफ लॉन्ग पेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने बता दिया कि 25% को जो रहेंगे अग्निवीर उनको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी, उनकी जो परमानेंट कमीशन होगी वो मिलेगा, तो इसीलिए पेंशन की उसमें एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप फिर पेंशन की बात करेंगे तो अगर मैं बताऊं एग्जांपल दूं तो हमारी इस साल की जो डिफेंस बजट है वो लगभग 76.6 बिलियन डॉलर है, यानी 76.6 बिलियन डॉलर जो है वो हम डिफेंस में दे रहे हैं। और ये देखने में तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है कि हम दुनिया में तीसरे सबसे बड़े बजट वाले मिलिट्री हैं, लेकिन अगर इसको एनालाइज किया जाए तो उसमें 50% से ऊपर जो बजट जाता है वो बेसिकली सैलरीज में और पेंशन में ही चला जाता है। तो जो बाकी बचते हैं उसमें ही तीनों मिलिट्री अंग जो है ब्रांचेज वो अपने वेपन्स रिप्लेसमेंट करते हैं, जो उसके बाद जो भी मेंटेनेंस है स्पेयर्स वो करते हैं, फिर साथ में और भी जो सप्लाई है वो लेते हैं और इक्विपमेंट्स खरीदते भी हैं अगर नए इक्विपमेंट्स। तो बहुत कम पैसा बचता है और मिलिट्री को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। जैसे हम देख रहे हैं कि कितने चीज़ों के लिए हमारी मिलिट्री को वेट करना पड़ रहा है। अगर आप कंपेयर करें कि हमारे राइवल्स है जैसे चाइना हुआ पाकिस्तान है, तो हम यहाँ पे थोड़ा पीछे नज़र आते हैं, खासकर चाइना के समकक्ष। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उनके पास पैसे हों खरीदारी के लिए, शिप्स के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर, टैंक्स, इस तरह बोफोर्स, इस तरह की जो इक्विपमेंट्स है। तो इसीलिए अगर आप कहेंगे कि ठीक है मिलिट्री बजट बढ़ा दिया जाए, तो अगर मिलिट्री डिफेंस बजट बढ़ा दिया जाएगा तो कहीं और से तो बजट कम करना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट सरकार कह रही है कि ये तो पैसे तो पेड़ पे उगेंगे नहीं। तो आप चाहे एडुकेशन से फिर बजट कम करने की बात कर रहे हो, या फिर हेल्थ सेक्टर से बजट, या इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट कम करने की बात कर रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाएंगी। तो इसीलिए सरकार ने एक उपाय लगाया कि इफ़िशेंसी में हम आगे बढ़े और ये 4 साल का एक टेन्योर रखे जिसमें सेवरेंस पैकेज हो, और इसीलिए जो झंझट होगा पेंशन का वो ख़त्म कर दिया जाए, और साथ में सैलरी पे भी थोड़ा बोझ कम होगा जिसके कारण थोड़े पैसे बचेंगे और मिलिट्री अपना हार्डवेयर खरीद सकती है, मॉडर्नाइजेशन में वो आगे बढ़ सकती है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, यहाँ दूसरा बिंदु हो गया पेंशन को लेके। तीसरा बिंदु जो है वो है कि जॉब सिक्योरिटी। तो लोग कहेंगे कि 24 साल 21 साल के बाद निकलेंगे, या 24 साल तक ये उनका रहेगा अग्निवीर जो निकलेंगे, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो तो डायरेक्टली मिलिट्री से ही निकलेंगे, तो उनकी हायर एजुकेशन का क्या होगा, 10th के जनरली रहते हैं 10th 12th के, तो उनका हायर एजुकेशन का क्या होगा, या फिर उनकी जॉब कहाँ फिर जाएंगे। तो इसमें भी सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे कदम लिए गए हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये गृह मंत्रालय की तरफ से हमारे गृह मंत्री अमित शाह की बात की गई है, जो कि 10% कोटा अपर एज रिलैक्सेशन फॉर अग्निवीर्स इन CAPF आसाम राइफल रिक्रूटमेंट। तो कोटा फिक्स कर दिया है गृह मंत्रालय ने, जो कि जितने भी केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनकी रिक्रूटमेंट में 10% जो होगा वो अग्निवीर को ही लिया जाएगा। और एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है, तो एज जनरली जो इस तरह के सेंट्रल फोर्सेज हैं जो गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं, उनकी एज लिमिट है 18 से 22 साल, लेकिन चूँकि ये 18 से 23 साल सॉरी, तो अग्निवीर तो जनरली मिलिट्री में रहेंगे उस वक्त, तो इसीलिए उनकी एज को बढ़ा दिया गया है और वो 26 साल तक जनरली वो अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉर्मली प्रोसेस चलेगा। और अभी का जो एक्सेप्शन, जैसे मैंने 2019 वाली बात कही उसमें मिलिट्री के तरफ से एक्सेप्शन दिया गया अग्निपथ स्कीम में, तो गृह मंत्रालय की तरफ से भी इस साल के लिए स्पेसिफिकली एक्सेप्शन दिया गया, जिसमें आप 28 साल के भी हो जाएंगे तो पहला बैच जो जाएगा वो 28 साल तक अप्लाई कर सकता है। तो ये एज रिलैक्सेशन दी गई है, तो ये रिक्रूटमेंट की बात आपको यहाँ से मिल जाएगी, जिसमें लगभग 73,000 वैकेंसीज निकलती है CAPF में। अब CAPF क्या क्या है,
ये आपको लगेगा कि बस दो ही ब्रांच है, CAPF और असम राइफल्स, ऐसा नहीं है। CAPF में आपका असम सॉरी जो CRPF है, BSF है, SSB है, ITBP है, RPF है, RAF है, ये सारे NSG भी, ये सारे केंद्रीय मतलब गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। तो इन सब में वैकेंसीज होंगी, उनमें अग्निवीरों का 10% का कोटा रहेगा। साथ में बहुत सारे राज्यों ने भी घोषणा कर दी है कि अग्निवीरों को उनके तरफ से ये मिलेगा, मतलब प्रायोरिटी मिलेगी, जिसमें जो ये राज्य हैं, आसाम है, मणिपुर है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, इन राज्यों में भी जो पुलिस हैं, स्टेट पुलिस, उनमें रिक्रूटमेंट में अग्निवीर जो है उनको प्रायोरिटीज़ दी जाएगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जॉब्स के दरवाजे खुलते नज़र आ रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जॉब सिक्योरिटी के लेके। अब जहाँ के एडुकेशन की बात की गई कि हायर एडुकेशन का क्या होगा, और या फिर और जो अगर पढ़ना चाहे तो उनका क्या होगा, तो सबसे पहली बात है कि जो अग्निवीर होंगे उनके पास सेवानिधि आएंगी, जो सेवानिधि 11,71,000, और साथ में जो उनके सैलरी से जो भी बचेगा वो मिला के अगर आप देखें तो वो एक ऐसा युवा वर्ग होगा जो स्किलफुल होगा, स्किलफुल लेबर फोर्स होगा, और उनके पास 21 से 24 साल के बीच में जो भी आएंगे उनके पास इतने पैसे होंगे कि पूरे भारत में जितने भी युवा वर्ग होंगे उस एज कैटेगरी में, उन सबसे ज़्यादा पैसे उनके पास होंगे, मेजॉरिटी अपने कमाए हुए पैसे होंगे। तो वो चाहे बिजनेस खोल सकते हैं या फिर वो एडुकेशन, हायर एडुकेशन में लगा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बात, एक प्लान निकाला गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन के तरफ से ये बात कही गई है, जिसमें UGC नॉर्म के तहत नेशनल एडुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क, उसके अंदर में इग्नू ने एक प्लान बनाया है जिसमें जो प्रोग्राम होगा उसमें आपका एक 3 साल का कोर्स होगा, जिसकी जो भी मेरिट जो मार्किंग होगी वो 50% वेटेज आपके जो आर्मी ट्रेनिंग, नेवी ट्रेनिंग, एयरफोर्स ट्रेनिंग उसमें से आएगी, और 50% जो होगा वो जनरली जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर होगा उसकी रिटेन टेस्ट या उनका उसका थियोरेटिकल टेस्ट होगा। तो आप मिलिट्री से आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों तरह की ट्रेनिंग्स मिलेंगी, प्रैक्टिकल जो होता है वो मिलिट्री के ही तरफ से होगी और इग्नू के तरफ से थियोरेटिकल आपको मतलब पढ़ाई मिलेगी। अब ये 3 साल की बात है, लेकिन इन 3 साल में भी अगर आप पहला साल ही करते हो तो आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस पे भी आपको कुछ जॉब्स मिल सकती हैं, और फिर दूसरा साल उसमें अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा, आप 2 साल कंप्लीट करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का भी बहुत महत्व है। ITI में भी आप जा सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग, साथ में बहुत सारे कॉलेज टेक्निकल नॉन टेक्निकल भी जो लैटरल इंट्री लेते हैं, यानी सेकेंड ईयर में डिप्लोमा होल्डर को वो इंट्री लेते हैं, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और अगर आप 3 साल करते हैं पूरा कंप्लीट तो आपको वैलिड डिग्री इग्नू की तरफ से, यानी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाएगी, जिसकी वैलिडिटी पूरे भारत में साथ में विश्व के कई देशों में उसकी मान्यता रहेगी। इसके लिए जो हमारी जो इग्नू है वो भारतीय सेना, थल सेना, वायु सेना और जल सेना के साथ उनका MOU साइन होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये पूरा लीगल फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। तो ये जो बातें हैं मैंने आपके सामने रखी कि हर तीनों बातों का जो उस पर विरोधाभास देखने को मिल रहा है, उन तीनों बातों पे सरकार ने गौर किया है। और जैसे मैंने बताया कि ये आपको सुनवाई थी बात जनरल बिपिन रावत जी का स्पीच, वो 2018 का था, तो इसका मतलब है कि इसके बारे में सोच बहुत पहले से चल रही है। इवन मनोहर पारिकर जी, जो हमारे उस समय के स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी इस रिफॉर्म्स की बात की थी। तो ये सिलसिला चला आ रहा है, तीनों ब्रांचेस के साथ बात की गई है, उनके साथ जो भी उनकी डाउट्स थे, उनके स्केप्टिसिज्म थे, उनको क्लियर किया गया है, उनके साथ बैठ के डिस्कस किया गया है, पूरी मेरिट तैयार की गई है, तब जाके ये स्कीम आई है। ये ऐसा नहीं है कि कल रात सरकार ने बस फैसला लिया और दूसरे दिन इसको लागू कर दिया। तो फिर इसमें जो विरोधाभास है वो लगता है कि जायज़ है, लेकिन अगर ओवरऑल सिनेरियो में देखें तो हम अपनी जो डिपेंडेंसी अगर सरकार पे
लागू करते हैं तो हमारी मिलिट्री कॉम्प्रोमाइज करती है, मिलिट्री की हार्डवेयर, मिलिट्री की प्रिपेयर्डनेस, मिलिट्री की फिटनेस और मिलिट्री का जो ओवरऑल मॉडर्नाइजेशन है वो मतलब दाव पे लगता है, उसमें कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। तो अगर हम चाइना के मुकाबले हम खड़े हैं तो इसमें बहुत मैटर करता है कि हम अपना जो एक अपना एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट है कि हमें सरकार ही सब कुछ दे, वो हमें बंद करना होगा और हम अपने आप पे आश्रित हों, अपना खुद से कुछ बनाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, अपनी मेहनत पे ही कुछ ये करें, तब जाके हम कह सकते हैं कि ठीक है। सरकार को भी हम कह सकते हैं कि टैक्स कम किया जाए, और चूंकि हम आपसे आप पे आश्रित नहीं है, आपका जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें आपकी सैलरी बच रही है, आपका पेंशन बच रहा है, तो आप टैक्स कम कर दें। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, हमारा जो माइंडसेट है उसको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। और भी अगर आप क्रिटिसिज्म देखना चाहें और उसके रिबटल्स, उनकी जो जो भी बातें हैं वो देखना चाहें, तो यहाँ पे पूरा एक अच्छा सा डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है, पूरा रिप्लाई दिया गया है, जिसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये बेसिकली जो स्ट्रैटेजिकल टेक्निकल पॉइंट होते हैं डिफेंस में, सिक्योरिटी को लेकर ग्लोबल सिनेरियो जो होगा या फिर दूसरे देशों के रिक्रूटमेंट को कंपेयर किया गया, उन सब चीज़ों पे ये बात यहाँ पे की गई है। तो मैं इस जो आर्टिकल है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको ज़रूर पढ़ें, ये इम्पॉर्टेंट भी है और साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, तो ये ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। अब जहाँ तक बात आती है कि जो लोग हैं विरोध कर रहे हैं उनका एजेंडा क्या है विरोध में, तो बहुत सारी बातें हैं। एक तो मैंने बता दिया कि कुछ लेजिटिमेट बातें जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की, तीन बिंदुएं जो मुझे लगा कि मेन है उस पर मैंने बात की, और दूसरा जो है वो तो आंदोलन जीवी जिसको कहा जाता है, जैसे राकेश टिकैत टाइप के जो लोग हैं वो इस तरह के ही आंदोलन में अपना उनकी आमदनी होती है, उनका जरिया बनता है, क्योंकि उनको करोड़ों रुपये मिलते हैं इस तरह के आंदोलन करने के लिए, वो फॉरेन सोर्सेस से आए, जो FRCA वाला जो होता है उससे आते हैं, तो वो उसमें रहता है, उनका अपना एजेंडा होता है। दूसरा, नेतागण जो है इसका विरोध करते हैं ताकि जो इलेक्शन में वो प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको गवर्नमेंट जॉब देंगे, हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको फ्री बिजली पानी राशन ये सारा फ्री देंगे, तो उसके पैसे कहाँ से आएंगे, फिर वही तो आपको टैक्स देना पड़ेगा ज़्यादा। तो सरकार, इस तरह के जो लोग हैं वो सरकार में आने के बाद चाहते हैं कि लोग हैं जो उन पे आश्रित हों, अगर लोग खुद अपने आप पे काम करने लगे तो फिर इन नेताओं को पावर में जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। साथ में कुछ सिंडिकेट हैं कोचिंग के, जो इस तरह के कोचिंग चलाते हैं रिक्रूटमेंट के, और उनके तरफ से भी भड़काया जाता है स्टूडेंट्स को गलत तरीके से, इनके बिजनेस को भी खतरा हो जाता है, क्योंकि आपके 21 साल से 24 साल के उम्र में तो आपके पास खुद के पैसे आ जाएंगे, तो आप कुछ और भी कर सकते हैं, तो इसके लिए भी इन कोचिंग संस्थानों का जो है बिजनेस खतरे में पड़ सकता है, तो इसीलिए ये भी भड़काते हैं। और बहुत सारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस रेड भी की गई है, और इस तरह के जो कोचिंग संस्थान है उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ओनर्स को गिरफ्तार किया गया। तो ये मुझे लगता है ओवरऑल अगर देखें तो अग्निपथ स्कीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इसेंशियल है हमारी आर्मी को लीनर मीनर और फिटर थिनर बनाने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए, हमारे मिलिट्री तीनों विंग को मॉडर्नाइजेशन में हम अगर चाइना से कैचअप करना चाहें तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें और इस पर सरकार पे दबाव ना डालें कि वो चेंज करें। कुछ लोगों को शायद अनफेयरनेस होगी और होगी भी, सही बात है, लेकिन हम फिर आपको दो ही ऑप्शन है, आप अपना स्वार्थ देखें या फिर मिलिट्री का स्वार्थ देखें, तो मिलिट्री और देश का जो है हित वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो ये भी पॉइंट देखने वाली है। तो यही कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि वीडियो इतनी जल्दी बनाऊँ कि मतलब सेंसेशनल जो वीडियोस बनते हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट्स
मिसअंडरस्टैंड किए जाते हैं, नैरेटिव बनाई जाती है और नेगेटिविटी फैलाई जाती है। इसीलिए मैंने पूरा पढ़ के पूरा समझ के आपके सामने ये वीडियो लाया है और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने विचार अगर आपको लगता है कि सही में कुछ चेंजेज आए हैं तो ज़रूर मुझे बताएं। साथ में क्रिटिसिज्म हो, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो या फिर कोई प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म है तो वो भी मुझे बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ। इसके लिए वही फेसबुक और ट्विटर पर मेरे साथ जुड़े, साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी बातें मुझे बताएं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।